श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक नागर साठोदरा ब्राह्मण गुजरात को तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये गोदराते कोस 10 परे एक गांव है, तहां एक द्रव्य पात्र नागर ब्राह्मण के जन्मियो, सो यह लरिका बरस 5 को भयो, तब इनके माता पिता दो मरे, तब उनको एक काका हतो, सो वह यह लरिका को अपने पास राखियो, पाछे यह बरस 18 को भयो, तब वह काका हु मरियो, तब वह सब द्रव्य ले गोदरा आई रहियो, तहां इनको राग रंग को इश्क लागियो, तो वेश्या भवैयान में जान लागियो, नृत्य गान हु करन लागियो, या प्रकार रहे। पाछे एक दिन या ब्राह्मण सो एक वैष्णव को मिलाप भयो, सो बात करत में वैष्णव ने या को देवी जीव जानी कहो, जैसो मन राग रंग में है तैसो ठाकुर में लागे तो सब कारज होई। तब या नागर ब्राह्मण ने पूछो, जो ठाकुर कौन को कहियत है? तब वाने कहियो, जो ठाकुर श्री कृष्ण है, जिनने ब्रज में प्रगट होई के ब्रज गोपीन ते रास कियो है, ऐसे वे रसिक शिरोमणि है, सो उनमें मन लगे तो कारज होई, नात्रु सब व्रथा है। ता पाछे फेरी या नागर ने पूछियो, जो उनमें मन कैसे लगावे? तब वा वैष्णव ने कहियो, जो वे सब रस के भोगता है, ताते या जगत में जो कछु उत्तम पदार्थ है ताको वे ही भोग करत हैं, यासु तुम उनको उत्तम उत्तम सामग्री, सुंदर उत्तम वस्त्र, बीरा, सुगंध आभूषण आदि समर्पो और उनके आगे नृत्यगान हु करो, या प्रकार मन लगाऊ, ये सब राग रंग उनके लिए करोगे तो फल रूप होएगो, नात्रु ये सब बंधन करन हारे हैं, संसार को उत्पन्न करत हैं, पाछे नरक में ले जात हैं। ता पाछे या नागर ने फेरी पूछियो, जो ये सब प्रभु अंगीकार कैसे करे? तब वा वैष्णव ने कहो, जो आज काल ही श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी के बस में है, ताते श्री गुसाई जी की शरणी जाइवे ते उनकी कानी ते ये सब अंगीकार करत हैं। तब या नागर ने वासु पूछियो, जो श्री गुसाई जी कौन है, कहाँ रहत हैं? सो कृपा करी के मोको कहिए। तब वा वैष्णव ने कहो, जो श्री गुसाई जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, उनको नाम श्री विट्ठलनाथ जी है, ये ईश्वर हैं, सो श्री गोकुल में रहत हैं। तब या नागर ने अपने मन में निश्चय कियो, जो अब तो इनकी शरणी अवश्य जानो। पाछे वा वैष्णव तो कहे, जो तुम हमको श्री गुसाई जी के शरणी जाइवे को प्रकार कहो, हम श्री गोकुल जाई के उनकी शरणी होई। तब वा वैष्णव ने कहो, जो शरणी को प्रकार तो श्री प्रभु आप तुमको समझावेंगे, पर एक बात वो कहत हो, जो श्री गुसाई जी कछुक दिन में यहाँ पधारेंगे, ऐसी खबरी आई है, सो उनको बधैया गांव में आयो है, और विशेष समाचार तो नागजी भट्ट जानत हैं, ताते तुम नागजी भट्ट को मिलो, उनको संग करो, वे श्री गुसाई जी के बड़े कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते उनके संग से तुम्हारो कारज होएगो। ता पाछे यह नागर ब्राह्मण नागजी भट्ट के घर गयो, सो नागजी भट्ट सो सब समाचार कहे। तब नागजी भट्ट ने कहे, जो तुम कछु चिंता मती करो, प्रभु तो परम दयाल है, अपने जीव को अंगीकार आप करत है, आज काली में वे यहाँ पधारेंगे तब तुम उनके सेवक हो जियो। या प्रकार नाग जी वा को समाधान किए। पाछे वह नागर ब्राह्मण अपने घर आयो, पर वा को चित्त में चैन परे नाही, नित्य प्रति सांझ सवार नाग जी भट्ट के घर आवे, श्री गुसाई जी के समाचार पूछे। ऐसे करत कछुक दिन में श्री गुसाई जी गोदरा पधारे, तब नाग जी भट्ट ने आके सब समाचार श्री गुसाई जी सो कहे। तब श्री गुसाई जी आको ताकी ओर देखी के कहे, जो जीव तो उत्तम है, पाछे आको नवाई नाम निवेदन कराए। तब यह नागर ब्राह्मण श्री गुसाई जी सो विनती कियो, जो महाराज भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी कृपा करी वाको श्री मदन मोहन जी को स्वरूप पधराई दिए, पाछे सब सेवा को सेवा की रीति बताए। ता पाछे आज्ञा किए, जो राग रंग पूर्वक इनकी सेवा करियो, श्री ठाकुर जी आप तो पर प्रसन्न होंगे, सो या प्रकार प्रभु आप आशीर्वाद दिए। पाछे वह नागर श्री गुसाई जी को भेंट धरी,
श्री ठाकुर जी को पधराई अपने घर आयो, सो भली भांति सो सेवा करन लाग्यो और वा वैष्णव को संग नित्य करन लाग्यो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक नागर साठोद्रा ब्राह्मण, ये गोद्रा के आगे एक गांव में रहते। ये बहुत द्रव्य पात्र थे, तो जब ये बरस 5 के थे तब इनके माता पिता मरे। फिर ये उनके काका के यहाँ रहते। फिर जब ये 18 बरस के हुए तब इनके काका मरे। तब ये सब द्रव्य लेके गोद्रा आए और इनको वहाँ राग रंग में मन लगा। वेश्या भवैया के वहाँ जाते और नित्य गान करते। फिर एक दिन इन ब्राह्मण का एक वैष्णव से मिलाप हुआ। तब वह वैष्णव ने इनको कहा कि जैसे तुम्हारा लौकिक राग रंग में मन लगा है, वैसे ठाकुर में लगे तो तुम्हारा सब काम होए। तब इनने पूछा कि ठाकुर किसे कहते हैं। तब वह वैष्णव ने कहा कि श्री कृष्ण ठाकुर हैं, जो ब्रज में प्रकट हुए हैं। वो रसिक शिरोमणि हैं, वे सब रस के भोक्ता हैं। उनको तू अपना ये नित्यगान दिखाएगा तो वह तुझ पर प्रसन्न होंगे। तब ये नागर ब्राह्मण ने पूछा कि प्रभु कैसे सब अंगीकार करेंगे। तब वह वैष्णव ने कहा कि श्री गोसाई जी द्वारा तेरा अंगीकार होगा। तब वह नागर ब्राह्मण ने वह वैष्णव से पूछा कि मुझे श्री गोसाई जी कहाँ मिलेंगे। तब वह वैष्णव ने कहा कि श्री गोसाई जी कुछ ही दिन में यहाँ पधारेंगे और विशेष समाचार नागजी भट्ट से पूछना। तब वह नागर ब्राह्मण नागजी भट्ट के पास आए और नागजी भट्ट से सब समाचार कहे। तब नागजी भट्ट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, प्रभु आप परम दयाल हैं, अपने जीवों को अंगीकार आप करत ही हैं। ऐसे में कुछ दिन में श्री गोसाई जी गोद्रा पधारे। तब नागजी भट्ट ने श्री गोसाई जी से यह ब्राह्मण के सब समाचार कहे। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि यह जीव तो उत्तम है। फिर उनको श्री गोसाई जी ने नाम निवेदन कराया। तब यह नागर ब्राह्मण ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज भगवत सेवा पधरा दीजिए। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करके श्री मदन मोहन जी का स्वरूप पधराया। फिर सब सेवा की रीति सिखाई और आज्ञा करी कि अब तू राग रंग पूर्वक इनकी सेवा करना, श्री ठाकुर जी तुझ पे प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार श्री गोसाई जी आपने वह ब्राह्मण को आशीर्वाद दिए। फिर वह नागर ब्राह्मण ने श्री गोसाई जी को भेंट धरी और श्री ठाकुर जी को पधरा के अपने घर आए और सेवा सुंदर रीति से करने लगे और वह वैष्णव का संग नित्य करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, कापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।